हेलो गाइस, मैं हूँ अलीशा और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम गूगल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करना बहुत सिंपल है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना और आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम प्ले स्टोर पर आएंगे। प्ले स्टोर पर जैसे आप देख रहे हो गूगल पे मेरा इंस्टॉल है, आपको अगर आपका नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं ओपन के बटन पे दबा देती हूँ। ओपन करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें सबसे पहले हमको हमारा मोबाइल नंबर डायल करना है जो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक हो, ये आपको याद रखना है। तो मैं डायल कर लेती हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की डिटेल्स आ जाएगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो ऑटो फिल खुद हो जाएगा। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ओटीपी आ चुकी है। तो हाँ, तो ये सक्सेसफुल भी हो चुका है। देन यहाँ पे हमको दो ऑप्शन दिखते हैं, एक स्क्रीन लॉक कर, एक गूगल पिन का। तो आप अगर स्क्रीन लॉक रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, गूगल पिन भी रख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप रखना चाहते हो तो आप स्क्रीन लॉक ही रखना, क्योंकि वो हमारे फ़ोन का भी लॉक रहता है और वो हमें याद भी रहता है। अगर आप चाहते हो गूगल पिन रखना चाहते हो, आपको जैसे यहाँ क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लेकिन हम अभी स्क्रीन लॉक कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन लॉक है उसका हम पिन डाल के नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये पेज खुल जाएगा, गूगल पे का मेन पेज खुल जाएगा। ओके, यहाँ पे अलाउ का बटन हम दबा देते हैं। देन यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपका ये लोगो दिख रहा है, बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड अ बैंक अकाउंट। देन यहाँ पे क्लिक करके आपको पहले आपका बैंक अकाउंट का नाम ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे एक SMS वेरिफिकेशन आएगा फ़ोन में, तो उसका वेट कर लेते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हो चुका है। देन यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट ये फाइंड कर रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो मेरा बैंक अकाउंट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक लिंक हो चुका है। देन यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो एंटर UPI पिन, क्योंकि मैं गूगल पे के एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ तो मेरे पास पहले से ही UPI पिन है। लेकिन मैं एक न्यू यूज़र के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो आप तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट UPI पिन। तो आपको यहाँ पे जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा एक पेज दिखेगा जिसमें ये पूछेगा कि आपके ATM कार्ड। देन लिखने के बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, तो वो लिख ली मैंने। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक, देन ये लोड हो रहा है। तो आप देख सकते हो लोड हो चुका है। एंड यहाँ पे एक OTP आएंगी हमारे मोबाइल नंबर पे, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे आएंगी। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो हम वेट कर लेते हैं। OTP आने में टाइम लग रहा है, नेटवर्क स्लो होगा। अगर ऐसा हुआ तो टेंशन मत लेना, आप थोड़ा वेट कर लेना, एग्जिट मत हो जाना पेज से, वरना आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो अब ये ध्यान रखना। तो हम वेट कर लेते हैं, तो मैं पॉज कर लेती हूँ, जब ये आ जाएगा तो मैं आप। तो गाइस OTP आ चुकी है। देन यहाँ पे हमारा ATM पिन एंटर करना पड़ेगा, जो बैंक का ATM पिन है वो। तो मैं यहाँ एंटर कर लेती हूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा UPI पिन हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने मन से जो भी आपको याद रहे वो नंबर चूज़ कर लेना। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। देन ये हो गया। देन यहाँ पे ऐड हो रहा है हमारा बैंक अकाउंट। तो ये जैसे ही ऐड हो जाएगा आपको ये कंफर्मेशन ये आ गया, आपको अकाउंट एडेड ऐड हो गए। देन यहाँ पे आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, UPI आईडी है ये जो अलीशा ठाकुर 12345, ये UPI आईडी है।
तो हम अभी हमारे फ्रंट पेज पे चलते हैं एंड देन यहाँ पे हमें पेमेंट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। न्यू पेमेंट में जाना है। न्यू पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी पेमेंट्स ऑप्शन दिखेंगे। तो मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन है, नंबर डाल के आपको जस्ट पेमेंट करना है हो जाएगा। बिल पेमेंट है, बिल पेमेंट में भी हो जाएगा आपका, जो आपको करना है बिल पे वो सब हो जाएगा। अब वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर मत निकलिए और गूगल पे का यूज़ करिए और घर बैठे आप पेमेंट करिए। देन यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र का, बैंक अकाउंट की डिटेल डाल दीजिए, ट्रांसफ़र हो जाएगा। मोबाइल नंबर से हो सकता है ट्रांसफ़र, बट इसमें कंडीशन है कि जो सामने वाला यूज़र वो भी गूगल पे यूज़ करना चाहिए, वरना नहीं। देन UPI और QR कोड से भी हो सकता है, आपने आगे वाले पर्सन की UPI ID डाल दी, पेमेंट हो जाएगा। और आगे वाले पर्सन की स्कैनर भी रहता है, मीन्स बार कोड रहता है, स्कैनर हमारे पास रहता है, हम यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे स्कैन करने के बाद हम बैक में चले जाते हैं, आप स्कैन भी कर सकते हो। देन ये होने के बाद ये बहुत सिंपल है, बट आप ये याद रखना कि आपको अगर कोई भी फ्रॉड मैसेजेस आते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ATM पिन वगैरह कुछ भी मत दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लॉस हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन रजिस्टर हमारा रहता है तो हमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन गूगल पे वैसे बहुत सिक्योर है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन आपको आपके पैसों का ध्यान आपको ही रखना है, तो आप प्लीज़ थोड़ा संभाल के यूज़ करना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है गूगल पे में, साइन अप नहीं हो रहा है, बैंक अकाउंट लॉगिंग नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय।